वेलकम टू माय चैनल पूनम्स क्रिएटिविटी। आज हम बनाने वाले हैं रागी का दलिया। रागी को महाराष्ट्र में नचने के नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ही पौष्टिक होती है। तो चलिए बनाते हैं रागी का दलिया। ये रागी है, ये राई के दाने जैसी ही दिखती है। ये भूरे रंग की होती है, इसलिए हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं। आपको किसी भी किराना स्टोर में आसानी से मिल जाती है। मैंने इस तरह से बारीक पिसवा ली है। कढ़ाई में आधा चम्मच घी लेंगे। घी गर्म होते ही हम इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। जीरा पाउडर डाल देने के बाद इसमें तुरंत ही हम पानी डाल देंगे। मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में दलिया बना रही हूँ, इसलिए 3 गिलास पानी लिया है। आप कम बनाना चाहते हो तो आपको 1 या 1.5 गिलास ही पानी लेना है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और पानी को उबलने देंगे। मैंने आधा कप रागी का आटा लिया है। आपको कम बनाना है तो आपको आटे की क्वांटिटी कम लेनी है। पानी डालकर इसकी पेस्ट बना लेते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। रागी हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त और बहुगुणी मानी जाती है। ये बहुत ही पौष्टिक और कैल्शियम युक्त होने के कारण ये बच्चों के लिए टेस्टी और हेल्दी होती है। अगर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तब खाना नहीं खाते, तब हम बच्चों के लिए इसका दलिया बनाकर दे सकते हैं। इसे ज़्यादातर लोग सुबह में ही खाना पसंद करते हैं। रागी का आप रोटी भी बना सकते हो, स्वीट में लड्डू बना सकते हो और इस तरह बच्चों के लिए दलिया भी बना सकते हो। पानी उबल गया है, मैंने यहाँ पे पेस्ट डाल दी है। ये गाढ़ा लग रहा है, इसलिए थोड़ा पानी और इसमें डालेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में और जल्दी बन जाती है। आपको मीठा पसंद हो तो इसमें गुड़ या शक्कर डालकर मीठा भी बना सकते हो। मैंने इसे 5 मिनट तक उबाल लिया है, अब इसे बाउल में निकाल लेते हैं। हमारा दलिया बिल्कुल तैयार है। यह दलिया खाने में गरम गरम ही अच्छा लगता है। आप भी घर पर जरूर ट्राई करें। कैसा बना है मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।